दोस्तों आप 3 साल तक किसी कॉलेज के अंदर कोई डिग्री की पढ़ाई करते हैं, 3 साल तक आप उसकी फीस भी देते हैं, उसको आपकी कोई भी आपको डिग्री कॉलेज की तरफ से नहीं प्रोवाइड की जाती है, आपको वहां से भगा दिया जाता है या फिर आपको कोई जवाब ही नहीं दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है बिहार से। दोस्तों अगर बात की जाए ऑनलाइन यूनिवर्सिटियों की या फिर गवर्नमेंट कॉलेजों के हालात लगातार इंडिया के अंदर पिछले कुछ सालों में बिगड़ते जा रहे हैं। बिहार के गया शहर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मगध यूनिवर्सिटी, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में आपको अगर बताएं तो एक ऐसा बहुत बड़ा कॉलेज जिसके नीचे बहुत सारे कॉलेजेस जुड़े होते हैं। अगर बात की जाए मगध यूनिवर्सिटी की तो उससे जो है हर साल 1 लाख से भी ज्यादा ग्रेजुएट्स उससे एफिलेटेड कॉलेजों के अंदर बच्चे पढ़ाई करते हैं। लेकिन एक ऐसा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जो कि बच्चों से फीस ले लेता है लेकिन उनकी क्लासें कंडक्ट नहीं होती, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, टीचर नहीं है और उनके एग्जाम भी नहीं होते हैं। अगर एग्जाम हो जाते हैं तो उनका रिजल्ट नहीं आता है और जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो पता चलता है कि उनका जो एग्जाम दिए थे वो डेटा खो चुका है, वो पुस्तकें ही नहीं है, वो जो जिनमें आंसर शीट में बच्चों ने आंसर लिखे थे वो आंसर शीट ही गायब हो चुकी है। अब बच्चों को जो है फिर से एग्जाम देने पड़ेंगे। ये मामला 1 साल का नहीं है, ये मामला चलता आ रहा है सन 2018 से। 2017 के बाद में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन स्टूडेंट ने 2018 सेशन में एडमिशन लिया था उनको 2023 तक डिग्रियां नहीं मिली है। इसके साथ ही अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी के कुलपति यानी कि वीसी को, जिसको जो वाइस चांसलर बोला जाता है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और जो है जेल के अंदर डाल दिया गया है। हालांकि ये जेल के अंदर जनवरी 2023 के अंदर, ऑलमोस्ट फरवरी 2023 के अंदर अरेस्ट कर लिया गया उनको। हालांकि अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जो स्टूडेंट 2018 के अंदर एडमिशन लिया था और जो 3 साल की डिग्री थी उनका क्या होगा। हालांकि 2020 के अंदर भी ऐसा मामले सामने आ रहे हैं, 3 साल की स्टूडेंट की डिग्री होती है उस डिग्री को 6 साल के अंदर भी कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। हालांकि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, अभी बहुत सारी नई टीम लाई गई है, बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे वाइस चांसलर, बहुत सारे डायरेक्टर्स कंडक्ट किए गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिन स्टूडेंट ने आज से 2 साल पहले एग्जाम दिया था अगर उनकी आंसर शीट खो चुकी है तो उन बच्चों के मार्क्स किस बेसिस पर लगाए जाएंगे। हालांकि कुलपति ने जो है ये मामले लगातार एक्सेप्ट कर लिए और कोर्ट के अंदर अपने आप को सरेंडर कर दिया। ऐसे बहुत सारे मामले स्टूडेंट को देखने को मिल रहे हैं। स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उनसे कोई कंसल्ट नहीं करते। हालांकि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी टीम्स होती है या फिर ऑफिसेज होते हैं उनके अंदर कोई आता भी नहीं है। हालांकि ये भी बहुत सारा प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये देखने को मिलता है। बिहार गवर्नमेंट की अगर बात की जाए बिहार के अंदर स्टार्टअप कल्चर बिल्कुल नहीं है, वहां पे कोई बड़ी फर्म नहीं है, वहां पे कोई जॉब्स नहीं है। स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, वो होता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टूडेंट के पास होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ डिग्री। अगर स्टूडेंट के पास कागज के अंदर लिखा हुआ डिग्री नहीं है तो स्टूडेंट की कोई भी वैल्यू नहीं है। जिस भी स्टूडेंट ने 2016 सेशन के अंदर एडमिशन लिया था और अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर सेलेक्ट भी हो जाता है तो उसको जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, क्योंकि उसको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मगध यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड नहीं की है। वो जो है उतनी मेहनत करने के बाद भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाता है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, पुलिस हो, चाहे वो टीचर की भर्ती हो, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई भी भर्ती हो। इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सालों से, 2 साल से, 3 साल से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और यूनिवर्सिटी उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ ही ये मामला जब जाता है पॉलिटिशियंस के पास, बिहार गवर्नमेंट के पास में, तो बिहार गवर्नमेंट के चेयरमैन जो है वो ये बोलते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर एंड इसके साथ ही जो है नीतीश कुमार जी का भी ये स्टेटमेंट आता है कि हम ऑफिशियली विजिट किए हैं और वहां के मामले लगातार काफी ज्यादा खराब है और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही एजुकेशन मिनिस्टर का ये मामला सामने आता है, वो ये बोलते हैं कि COVID-19 सिचुएशन के कारण ये जो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, कोविड महामारी के कारण अगर सेशन लेट हो गया तो उसे
क्या फर्क पड़ता है। हालांकि कोविड के अंदर लोगों की जाने जा रही थी, ये एक सेशन ही तो लेट हुआ है। इसके साथ ही कोई भी गवर्नमेंट या फिर मीडिया इसको बिल्कुल भी कवर नहीं कर रही है। स्टूडेंट के ऊपर क्या बीत रही है, क्या स्टूडेंट ने कितनी ज्यादा फीस पे की है, आखिरकार जो स्टूडेंट 20 साल का हो चुका है, जो 23 साल का हो चुका है, क्या उसके पास फिर से चांसेस बच रहे हैं कि वो फिर से जो है किसी दूसरे कॉलेज में जाके फिर से वही डिग्री करे, क्या उसकी जो है एज रिलैक्सेशन या फिर क्या उसके लिए कोई ऐसा मशीन बनाया गया है ताकि जो है वो अपने 3 साल उसमें से निकाल के वो पीछे जाए और किसी दूसरे कॉलेज में जाके वो डिग्री करके आ जाए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को, हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसे मामले उस कॉलेज के अंदर 5 लाख स्टूडेंट को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि अगर हमारा सॉल्यूशन नहीं किया जाता है तो हम जो है पटना तक जाएंगे, जो भी सीएम ऑफिस है या फिर एजुकेशन ऑफिस तक पैदल यात्रा करेंगे इसके रिगार्डिंग। हालांकि इसको जो है बहुत बड़ी बड़ी न्यूज मीडिया के अंदर कवरेज दिया गया है, वाइस चांसलर को जो है अरेस्ट कर लिया गया है। इसके रिगार्डिंग अगर बात की जाए, बहुत सारे और भी कॉलेजों के अंदर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ये जो कॉलेज है एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर आपको बताएं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का बेसिकली मतलब ये होता है जहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है उस कॉलेज को हैंडल करता है। उसके नीचे जो है बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं, उसके नाम से जो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके नाम से बहुत सारे कॉलेजेस जो है डिग्री प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, पढ़ा के कॉलेजेस पढ़ाते स्टूडेंट को है, लेकिन जो डिग्री है उस स्टेट गवर्नमेंट के नाम से प्रोवाइड की जाती है। लेकिन 5 लाख स्टूडेंट्स इस मंथन के अंदर फंसे हुए हैं और उनको पिछले 6 सालों से जो है डिग्रियां नहीं मिल पा रही है और स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद हो नहीं रहा है, हो चुका है। हालांकि बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तो ऐसी होती है जिनके लिए जो एज लिमिट क्राइटेरिया भी देखा जाता है। आखिरकार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री, और अगर वही डिग्री उनसे छीन ली जाए इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो फिर ऐसे एजुकेशन सिस्टम का क्या ही फायदा। इसके कारण बहुत सारे बिहार के स्टूडेंट लगातार प्लान करते जा रहे हैं दूसरे स्टेट्स के अंदर या फिर दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजों में या फिर बाहर फॉरेन कंट्रीज के अंदर। अगर देखा जाए बिहार का क्राइटेरिया वो काफ़ी कम देखा गया है। इसका बेसिकली बहुत बड़ा रीजन है इकोनॉमिक क्राइसिस। बिहार के लोगों के पास जो है इनकम का सोर्स नहीं है, जिसके कारण जो है वो लगातार आगे नहीं जा पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।